अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बेक फुजली। इसके लिए मुझे चाहिए ऑयल 1/4 कप, प्याज एक मीडियम साइज का, अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, कीमा 400 ग्राम, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गाजरें 2, टमाटर 3, टोमेटो प्यूरी 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, एक प्याज स्मॉल साइज, ऑर्गेनो 1/2 टीस्पून, क्रीम 2 टेबलस्पून, पेस्टा 400 ग्राम। व्हाइट सॉस की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चीज 1 कप, ऑलिव्स कुछ थोड़े से चाहिए हमें 1/4 कप। मैं बनाना शुरू करती हूँ। 1/4 कप सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें ऑयल गर्म हो जाएगा तो प्याज डालेंगे एक लार्ज साइज का। प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ ही हम डाल देंगे इसमें कीमा 400 ग्राम। मैंने बीफ कीमा लिया, आप जौन सा मर्जी कीमा ले लें। इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे, साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। थोड़ा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में साथ ही 2 गाजरें मैंने इसे ग्रेट कर लिया था वो डाल दिए मैंने। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम जो है वो हाई रखनी है और 3 टमाटर चॉप करके मैंने वो भी डाल दिए साथ ही। 15 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम में कुक करें और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया टोमेटो प्यूरी, ये ऑप्शनल है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालिए, 1 टेबलस्पून सिरका डाला है। इन दोनों को भूना है, मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें एक स्मॉल साइज का प्याज डाल दिए। इसको थोड़ा मिक्स करूंगी और साथ ही मैंने ऑर्गेनो डाला इसमें 1/2 टीस्पून और 2 टेबलस्पून क्रीम डाली है। इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। मिक्स करके ये रेडी है और इसमें मैंने डाल दिया है पेस्टा। मैंने फुजली लिया, आप चाहें तो आप मैक्रोनी भी ले सकते हैं, पेनी पास्ता भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। चलें बेक करने के लिए इसकी लेयर्स बनाएंगे। और व्हाइट सॉस जो है उसकी रेसिपी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दी है। जी जो क्वांटिटी मैंने उसमें बनाई है उससे डबल क्वांटिटी आपने बनानी है। पहले सॉस लगाइए, फिर पेस्टा, फिर चीज, फिर सॉस, फिर पेस्टा, फिर चीज, फिर लास्ट में ऑयल्स लगाए हैं और इसे मैंने बेक कर दिया था 20 मिनट के लिए। मेरे पास गैस ओवन है तो फिर मैंने इसे 7 नंबर पे रखा है और इसे 20 मिनट्स के लिए बेक कर दिया। और ये देखिए बहुत मज़ेदार पेस्टा रेडी है। आप लाजमी ट्राई करें, बहुत ही अच्छा और आसान रेसिपी है। व्हाइट सॉस की रेसिपी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हुआ है। जितनी इसमें बनाई है उससे डबल क्वान्टिटी की आप बना लें और बहुत ही मज़ेदार ये पेस्टा रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें, सबके साथ शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।